नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2018 के प्रमुख खबरों के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। और जो आज की जो पहली खबर है वह है दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक आज से शुरू हो गई है। दावोस जो जगह है वह स्विट्ज़रलैंड में है, और यहाँ जो है विश्व आर्थिक मंच की 48th मीटिंग जो है वह शुरू हो गई है। इसमें व्यापार, राजनीति, कला, शिक्षा और नागरिक समाज से जुड़े हुए लोग भाग लेंगे। कुल जो देश हैं वह 131 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। करीबन 3,000 लोग के आसपास यहाँ जो लोग हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे, जिसमें कि प्रमुख नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो और जो इस मंच की जो मीटिंग हो रही है, इसका जो इस साल का जो थीम है यह है क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। तो इसमें जो एक बात कही गई है यह है कि भारत की श्रम शक्ति में यदि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो इससे जीडीपी में 27% तक की वृद्धि होगी। यह जो बात है यह है IMF की प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्ड और नॉर्वे की पीएम एर्ना ने यह बात कही है। और ये जो दोनों नेताओं ने 2018 को महिलाओं की कामयाबी का साल बनाने की वकालत भी की है। और इसमें जो प्रमुख जो लोग इसमें शिरकत करेंगे उनमें जो नाम आ रहा है वह है शाहरुख खान का, केट विंस्लेट का और संगीतकार एल्टन जॉन का। और इसमें भारत से 130 प्रतिभागी शामिल होंगे। कुछ जो मंत्री और उद्योगपति हैं वह हैं सुरेश प्रभु, अरुण जेटली, एमजे अकबर, धर्मेंद्र प्रधान, ये सारे लोग भी इसमें शामिल होंगे। और मुकेश अंबानी, गौतम आडवाणी, अजीम प्रेम जी, राहुल बजाज। तो देखा जाए तो यह आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग साबित होने वाला है। अगली जो खबर है वह है सुप्रीम कोर्ट रोस्टर प्रणाली को शीघ्र ही सार्वजनिक करेगा। यह जो रोस्टर प्रणाली है यह संवेदनशील जनहित याचिकाओं के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत ही सहयोगी होती है। कार्यों के आवंटन के लिए कोर्ट में रोस्टर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। रोस्टर प्रणाली को सार्वजनिक करने से कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। जो अब आगे बढ़ते हैं, आगे का जो समाचार है वह है भारत में एनपीए की ऑनलाइन बिक्री का सुझाव। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि जो एनपीए है, आपको जानना है कि एनपीए क्या है। तो यहाँ पे एनपीए से तात्पर्य बैंकिंग व वित्त उद्योग में ऐसे ऋण ऋण यानी लोन से है जिसका लौटाना संदिग्ध होता है। अंग्रेजी में इसे एनपीए अथवा नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो भारत है यह 10 खरब रुपए का एनपीए या बैड लोन से अभी घिरा है। तो इस पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वीरन आचार्य जो हैं उन्होंने कहा है कि हमें अमेरिका की तर्ज पर भारत में जो एनपीए की ऑनलाइन सेल करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब हम ऑनलाइन जो लोग जो कंपनी घाटे में चल रही है और जिनसे बैंकों का पैसा नहीं निकल रहा है, जिन्होंने लोन लिया है और जो वापस से पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो वो पैसा एक तरह से बैड लोन में आ जाता है। ठीक है, तो अब जो ऑनलाइन सेल की जो यहाँ पे सलाह दी जा रही है तो इससे क्या होगा। तो इससे कहा जा रहा है कि घाटे वाली परिसंपत्तियों की बिक्री में पारदर्शिता आएगी, साथ ही साथ इस तरीके से बिक्री करने से बेहतर मूल्य बाजार से वसूला जा सकता है। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका क्या तरीका अपनाता है, अमेरिका और जो साउथ नॉर्थ जो कोरिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक तरीका अपनाया था जो कि उनके देश में सफल भी हुआ। तो उसी पर बोला जा रहा है कि हमें भी वह मॉडल अपनाना चाहिए। तो अमेरिका कैसे काम करता है, तो अमेरिका में जो है एक संस्था है, अमेरिकी संस्था लोन सिंडिकेशन एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन, वो की तरह लोन रिकवरी का काम करना चाहिए।
तो यह जो है यह खरीदारों के लिए एक अवसर मुहैया कराती है, प्रॉपर्टी के बारे में जानकारियां देती है और प्रॉपर्टी बिक्री के लिए वैध डॉक्यूमेंट भी मुहैया कराती है ताकि बिक्री हो सके। तो यह जो तरीका है इसे अपनाने की बात हो रही है। अगला जो समाचार है वह है अमेरिकी शटडाउन से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि कल भी मैंने न्यूज़ में आपको बताया था कि अमेरिका में शटडाउन की स्थिति आ गई है, तो इससे जो हमारे पहला तो मैंने कल ही आपको एक असर बताया था कि जो भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका में जाकर काम करने के इच्छुक हैं तो उन्हें शायद वीज़ा मिलने में देरी हो सकती है, और साथ ही साथ जो वहाँ पर काम तो चल रहा है लेकिन वहाँ के लोगों को भुगतान मिलने में शायद काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस प्रकार भी यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और लेकिन जो आज के न्यूज़पेपर में जो भारत पर क्या असर पड़ेगा यह है कि भारतीय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कहा है कि इसमें भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है, खास तौर पर जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसके लिए, क्योंकि जो जो अमेरिका है वह निर्यात जो भारत से जो निर्यात वस्तुएं की जाती हैं उनमें अमेरिका एक प्रमुख देश है जहाँ पे चीज़ें निर्यात की जाती है। तो जो इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए अमेरिका जो है वह नंबर 1 निर्यातक गंतव्य है। तो अब जब वहाँ शटडाउन की स्थिति पैदा हो गई है तो इस पर बिल्कुल बहुत ही गहरा असर पड़ेगा और दोनों देशों के कारोबारों पर एक नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। अगली जो खबर है वह है सेज रियायतों को जारी रखने की वाणिज्य मंत्रालय की मांग। तो अभी वाणिज्य मंत्रालय ने एक वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें कि उसने वित्त वाणिज्य मंत्रालय ने मांग की है कि जो न्यूनतम वैकल्पिक कर है उसको हटाया जाए। साथ ही साथ जो अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जो नई सेज यूनिट्स में से सिर्फ उन्हीं इकाइयों को आयकर लाभ मिलेगा जो 31 मार्च 2020 से पहले अपनी गतिविधियां को शुरू कर देंगे। तो वाणिज्य मंत्रालय इसे सनसेट क्लॉज की तरफ दे की तरह देख रही है और इसको हटाना चाह रही है। उसका मानना यह है कि इस तरह के जो क्लॉज हैं उससे सेज की ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है और सेज है उसने कही हैं, ये बातें कही हैं कि जो परियोजनाएं मार्च 2020 तक पूरी नहीं हो पाएंगी वे अलाभकारी बन जाएंगी, इसीलिए सरकार को इस उपबंध को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। सेज कैसे मतलब छूट देती है यह मैं आपको बताती हूँ। सेज में इकाइयों को निर्यात से हुई आय पर पहले जो 5 साल होते हैं उसमें आयकर में पूरे 100% की छूट मिलती है, लेकिन जो अगले 5 साल होते हैं उसमें 50% की छूट मिलती है, और उसके जो अगले 5 वर्ष होते हैं उनके लिए निर्यात से हुए मुनाफे के निवेश पर 50% की छूट मिलती है। अगली जो खबर है वह है ओम प्रकाश रावत भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ये जो हैं वो AK ज्योति की जगह लेंगे, और यह जो चुनाव आयुक्त होता है यह 3 सदस्यीय आयोग है और जो अन्य 2 सदस्य हैं वो हैं अशोक लवासा और सुनील अरोड़ा। तो अशोक लवासा ने भी को भी अभी हाल ही में उनको भी इस आयोग में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। अगला जो खबर है यह एडिटोरियल का पार्ट है और इस एडिटोरियल में कहा गया है, जो डिस्कशन की गई है उसका मुख्य जो मुद्दा है वह है नए अमेरिकी टैक्स कानून का विश्व पर क्या असर पड़ेगा, यह इसमें डिस्कस किया गया है। तो जो हमारे राइटर थे उन्होंने कहा है कि 22 दिसंबर 2017 को अमेरिका ने एक नया टैक्स
कानून को पास किया और उसको अपने देश में लागू कर दिया। तो यह जो कानून है यह क्या करता है, तो इस कानून के द्वारा कोशिश की गई है कि व्यवसाय और व्यक्तियों पर करों की दर को कम की जाए, ताकि ताकि जो वहाँ काम करना है, व्यापार करना है, वह और उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी पर भी कटौती की गई है, साथ ही साथ जो कई तरह के वहाँ टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगते थे उनमें उनको भी कम किया गया है। तो इससे मतलब सरकार यह आशा कर रही है कि अभी नहीं लेकिन आने वाले जो 10 साल हैं उनमें शायद उनको 10 सालों के बाद से उनको शायद फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे खुद अमेरिका को भी बहुत जो टैक्स में जो कमी आएगी उससे उसको नुकसान होगा। तो खैर यह तो थी अमेरिका की बात, लेकिन अब इस जो लॉ इसके लॉ अमेरिकन लॉ का जो अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर भारत की सबसे पहले बात करें तो ऐसे आसार हैं कि भारत से पूंजी का पलायन हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिका अपने देश में नए टैक्स कानून से जो वहाँ उसने छूट दे रखी है या दे रही है, तो उससे लोग वहाँ ज़्यादा आकर्षित होंगे। साथ ही साथ भारत सरकार पर यह दबाव बनेगा कि वह यहाँ के भारतीय कॉरपोरेट टैक्स की दर को कम करे। साथ ही साथ यह भी दबाव बनेगा कि अधिक से अधिक संसाधन जुटाए। अगर यह सरकार नहीं कर पाएगी और मतलब अगर असफल रहती है टैक्स की दर को कम करने में या फिर संसाधनों को जुटाने में, तो इससे जो देश में जो असमानता है गरीबी और अमीरी का, यह शायद फासला और भी बढ़ जाएगा। इस पर सिर्फ इसका सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि चीन और यूरोप पर भी भारी असर पड़ने का आसार दिख रहा है, क्योंकि मतलब इस नए कानून से चीन भी बहुत परेशान है और उसको इसीलिए खतरा महसूस हो रहा है कि भारी मात्रा में जो डॉलर चीन से निकलकर अमेरिका पहुंच जाएगा और वहाँ ज़्यादा उनको क्योंकि लाभ मिलेगा इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यूरोप की क्या समस्या है, यूरोप में ऑलरेडी पहले से ही वहाँ मंदी चल रही है, अब जो वहाँ का जो पैसा है फिर वो अगर अमेरिका खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो वहाँ की यूरोप की जो मंदी है वो और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो जो है अमेरिका पहले की नीति अपना रहा है, इसके लिए वह जो है मतलब WTO और अन्य जो वैश्विक मंच हैं उनके अनुबंधों की भी परवाह नहीं कर रहा है। अगला जो एडिटोरियल का ही हिस्सा है वह है यह बच्चों और शिक्षा पर बेस्ड एक एडिटोरियल है, जिसमें कि कहा गया है कि अपने बच्चों को जानिए और समझिए और बच्चों में जो शिक्षा मतलब शिक्षा दर तो बढ़ा है लेकिन एक्चुअली में जो बच्चे हैं वे शिक्षित हो नहीं पा रहे हैं, उनका जो क्वालिटी है, शिक्षा का दर बढ़ रहा है मतलब क्वांटिटी बढ़ रहा है लेकिन जो शिक्षा का जो क्वालिटी है वह गेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि इसमें एक असर नाम की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जो यह सर्वे है यह 24 राज्यों के 28 जिलों में किया गया भारत में, और इसमें 1641 से ज़्यादा गांवों के 30,000 से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं यहां पर रेफर किया जा रहा है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसमें इन्होंने पाया कि जो 57% जो बच्चे हैं उनको मतलब साधारण गुना भाग भी नहीं आता है, और जब भाषा की बात करें तो वो भी बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। अंग्रेजी तो छोड़िए, 25% जो बच्चे हैं अपनी भाषा धारा प्रवाह बिना अटके भी नहीं पढ़ पाते हैं। ज्ञान और भूगोल की भी जानकारी बहुत ही कमज़ोर है। 58% बच्चे अपने राज्य का नक्शा तक नहीं पहचान पाए।
14% बच्चों को देश के नक्शे के बारे में तो जानकारी नहीं थी, मतलब। और फिर सर्वे में पाया गया कि 28% जो बच्चे हैं 14 से 18 साल के बीच के, वे अपने देश की राजधानी यानी दिल्ली का नाम नहीं बता पाए। तो भारत तो ऐसे तो मतलब यहाँ काफ़ी स्कीम्स चल रहा है कि हम लोग एक सुपर पावर बनेंगे और डिजिटल इंडिया का ख्वाब देख रहे हैं, परंतु इसकी राह जो है यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि 59% जो बच्चे हैं इनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, और 64% जो बच्चे हैं इन्होंने कभी भी इंटरनेट यूज़ नहीं किया है। तो यह जो है बहुत ही चिंताजनक मतलब जानकारी है, और इसको सरकार के लिए बहुत ही मतलब चैलेंजिंग काम है कि अब इसको वह कैसे दूर करेगी, क्योंकि जो ये 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं जब वे वयस्क हो जाएंगे तब यही बच्चे कामगारों की श्रेणी में आएंगे, और अगर ये शिक्षित नहीं हुए सही प्रकार से तो इसका सीधा असर जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।